समाज का जो चमचमाता हुआ डायमंड, कौन होगा वो, कौन होगा वो भाग्यशाली? बहुत ही शानदार ट्रॉफी है भरत जी। बिल्कुल सर, और ये आपके आयोजन कमेटी ने आज ही अमेरिका से मंगवाई है सर, नीलेजी भाई साहब, और अभी लैंड हुई है। नींबू का काउंटर लगा है वहाँ पे, जिसको भी नींबू पानी पीना है, गर्मी बहुत है और आप नींबू पानी पी सकते हो। और खाना भी चालू हो गया है, जो भी खिलाड़ी खाना खाना चाहते हैं वो खाना खा ले अपनी। बिल्कुल सर, इनका इंतजार करते हुए पहले एनर्जी के लिए ड्रिंक का काउंटर का भी व्यवस्था की है समाज ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजनशाला भी शुरू हो चुकी है, जिस खिलाड़ी को, जिस समाज के मामा शाह को, जिस समाज बंधु को भोजन करना है वो भी बना सके। लीजिएगा, कंटिन्यू करिए नीलेश भाई, धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष साहब श्रीमान भरत जी, उनका बहुत ही अच्छा व्यवस्था है देखो, और ये व्यवस्था बहुत ही जोरदार है। भरत जी, उनकी कार्यकारिणी पूरी टीम बहुत ही मेहनत करके ये प्रोग्राम हो रहा है। भरत जी का बहुत बहुत आभार तहे दिल से। मंडल का, भरत जी का नहीं, पूरी कार्यकारिणी। बिल्कुल सर, ऐसा आयोजन करना पड़ता है ना, तो पूरी कमेटी को साथ में लेकर चलना पड़ता है। हेलो, इसका आवाज बढ़ाओ भैया थोड़ा। हेलो, ओ हीरो, आवाज बढ़ाओ थोड़ा। हेलो हेलो हेलो, चेक चेक। हेलो, श्री राम जय राम। ये सभी हमारे कार्यकारिणी जितने भी मित्र हैं उनका आशीर्वाद है, ताकि बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे समाज का गत 5 वर्षों से रेगुलर क्रिकेट टूर्नामेंट और सम्मेलन हो रहा है। ये पूरी समाज का आशीर्वाद है, सभी भाई साथ में हैं। अशोक जी की टीम खेल रही है, कोई भी आड़ा नहीं आवे, नहीं तो बॉल बना के अशोक जी साइड में कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी, हमारे अध्यक्ष मेवाड़ नागदा राज पुरोहित ब्राह्मण समाज। पहला विकेट गिरा है, छोगाला छेट, सेवन थ्री, पहला विकेट। स्कोर कितना हुआ है भरत जी? एक नंबर पे। बिल्कुल, स्कोर पहुंचता हुआ था कितना? 12 रन। लीजिएगा, एक बार फिर चलते हम इस आज के मैदान के लाइव मैच की, और काफी बड़ा मुकाबला है, यहाँ से जो भी जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल खेलेगा। ये बॉल फिर उठा के खेला है फील्डर नीचे, ये बेहतरीन छक्का, इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। म्यूजिक, म्यूजिक को आज छुट्टी दे दी सर, हाँ शाम को होगा। थोड़ा थोड़ा तो बजाओ यार भरत जी, पहला ओवर है ना, पहला ही ओवर है। बिल्कुल, पहला ओवर अभी तो प्रगति पर है, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं यहाँ पर टीम ने, एक अच्छा मुकाबला। बॉल पहला ओवर है और 18 रन है, बहुत ही अच्छी बैटिंग चौगाला की तरफ से। बिल्कुल सर, एक धमाकेदार बैटिंग कही जाती है, अगर पहले ओवर तक आप इस स्कोर तक पहुंचते हैं तो अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है दोनों बल्लेबाजों ने। देखिए ये ले, ये टाइमिंग, ये प्लेसमेंट दोनों सोचते समझते परखते और बाद में खेलते, ये एक अच्छे क्रिकेटर की यही पहचान होती है। पहला चालू, बिल्कुल बॉल को टेस्ट किया बल्लेबाज नागदा पुरोहित ब्राह्मण समाज के, बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों को मेवाड़ युवा मंडल मुंबई की ओर से उनका तहे दिल से स्वागत किया जाता है। उठा के खेला है, ये बिना क्या और ये बड़ी मछली जाल में फंसाई नीलेश भाई, भले रन बना लिए कोई बात नहीं, पर विकेट भी साथ में गिरे हैं, नुकसान पे नुकसान।
बिल्कुल नीलेश भाई, देखिए इस खिलाड़ी का जो जोश जुनून था इसे आउट करना इनके लिए एक टारगेट बन गया था और मछली को जाल में फंसाई। बिल्कुल अगर यहां से ये बंदा आउट नहीं होता तो एक उच्च स्कोर तक लेके जाता छोटाला को, लेकिन अच्छी कोशिश वहां पर, अच्छी कैच और अच्छा खेल। सही कहा भरत जी आपने, जाल में मछली फंसा ली है। हाँ, और ये मछली जो फंस गई है देखो आगे क्या होता है, बहुत ही अच्छी रन जावेद भाई चल रही है। हाँ, अभी तो जावेद भाई फोटोग्राफर वीडियोग्राफर जहाँ कहीं भी हो कॉम्पैक्स में मंच कर संपर्क है जावेद भाई। बिल्कुल यहाँ पर हमारे समाज बंधु के एक कैद यादगार पल कैद करनी है कैमरे में। अगर हम 20 साल के बाद भी हमारे बच्चे देखे तो उन्हें लगना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सरजमी पर हमारे समाज ने एक मिसाल छोड़ी थी, एक यादगार पल छोड़े थे, वो कैद यहाँ पर कैमरे में कैद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी समाज बंधुओं का, आप पधारे और हमारे युवा का उत्साहवर्धन किया। इसके तहत मैं पूरी कमेटी की ओर से एक कमेंटेटर होने के नाते मैं भरत सिंह राजपुर सुरई आपका पलक पावरे बिछाकर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन करता हूँ। लीजिएगा एक बार फिर चलते हैं हम आज के से लाइव कमेंटेटर की ओर, कमेंट्री की ओर। हाँ बिल्कुल, ये पूरी टीम का एक फोटो शूट हो रहा है, साथ में अध्यक्ष आप भी रहेंगे, एक यादगार पल रहेगी। बिल्कुल लीजिए, अब चलते हैं लाइव मैच की ओर। काफी आनंद, काफी जोश, काफी जुनून। बहुत ही युवा टीम है फतेहपुर की, भरत जी हमारे अध्यक्ष साहब की टीम है, बहुत ही सुंदर टीम है। बिल्कुल सर, इसके लिए गाइडनेस कर रहे हैं पूरा अपने टीम में, जोश जुनून और जज्बा भर रहे साहब, और भरना ही चाहिए क्योंकि शाम तक जब हमें ग्रैंड फाइनल खेलने का मौका मिलेगा, इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा करने का मौका मिलेगा, इसलिए कुछ टिप्स और गाइड्स दे रहे हमारे भरत जी भाई साहब। सही बात है। हाँ सर, अपने अपने टीम का सभी सपोर्ट करते हैं, व्हाइट का इशारा एम्पायर का, एक और अधिक रन के रूप में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई टीम के खाते में, टीम के स्कोरबोर्ड में धीरे धीरे फाइट होते हुए यहाँ पर। बिल्कुल ग्राउंड नंबर 2 का जो शेड्यूल के अनुसार फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं, कौन है राजू भाई यहाँ पे फील्डिंग में? आपको टीम प्लीज आप जल्दी से जल्दी फील्डिंग की सजावट कराए, ग्राउंड नंबर 2 खाली हो चुका है। इसके बाद में हमें नो बॉल का इशारा किया है एम्पायर ने। हेलो, एक बार पुनः पधारे हुए सभी समाज बंधुओं का मैं इस आयोजन कमेटी की ओर से और संपूर्ण खेल मंत्रा खेल कमेटी की ओर से आपका इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन करता हूँ। मेवाड़ नागदा पुरोहित ब्राह्मण समाज के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमान कमलेश जी पधार चुके हैं, उनका भरत जी ने बहुत ही तहे दिल से स्वागत किया। हाँ। है और हम पूरी कार्यकारिणी उनका स्वागत करते हैं। आपको थोड़ा तो फील्डिंग है सर यहाँ पर ग्राउंड नंबर 2 पर, आपको थोड़ा एक मिनट वो शेड्यूल के ना, सॉरी सॉरी, हाँ एसीसी आपको वर्सेस रूप वॉरियर्स, जल्द से जल्द अपनी पोजीशन ले लें फील्डिंग के लिए। हेलो, बहुत ही रोमांचक मैच हो रहा है, कुआतल वर्सेस 7-3। भरत जी बिल्कुल सर, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ भरत जी आपसे। बिल्कुल सर, काफी रोमांचक मुकाबला है शिवाय क्लब वर्सेस सोकाला क्लब 7-3, और नीलेश जी भाई साहब यहाँ से जो भी टीम जीतेगी उन्हें आज कहीं से कुछ समय के बाद में क्वार्टर फाइनल खेलने का मौका मिलेगा, और भगवान करे रुकना, भगवान करे चार भुजा ना था आशीर्वाद होगा तो सेमीफाइनल भी खेलेगी और फाइनल भी खेलेगी। ये कोई आम मुकाबला नहीं है, बड़ा मुकाबला है, चमचमाते हुए ट्रॉफी पर सब खिलाड़ियों की नजर है। जरूर जरूर, हार जीत तो होती रहती है, खेल खेल भावना से होना चाहिए, और बहुत ही जो भी टीम जीते उन्हें अपनी पूरी मुंबई मंडल की ओर से हार्दिक शुभकामना है।
हाँ ग्राउंड नंबर दो प्लीज, आपको थोड़ा आप अपनी फील्डिंग का अति शीघ्र सजावट करावे और बैट्समैन और रूप वॉरियर अपने दोनों ओपनिंग बल्लेबाज सेंड करें। इसी के साथ दोनों टीमों से निवेदन है कि आपका अतिरिक्त प्लेयर ट्वेल्थ मैन यहाँ पर कॉमेंट्री बॉक्स में स्कोरर के पास भेजो प्लीज प्लीज प्लीज। ये मेरा अंतिम निर्णय है और अंतिम नोटिस है आपको। देखिए आप जितना सहयोग करोगे उतना ये आयोजन कमेटी इस मैच को एक अच्छी तरह से आयोजन कर शाम तक एक इतिहास में लिखा जाएगा कि ये ब्राह्मण नागदा राजपूत समाज ने का इस छत्रपति शिवाजी महाराज के सरजमी पर इतिहास रचा है। आपका सहयोग हमारा सौभाग्य रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राउंड नंबर एक की मैं बात करूं तो काफी अच्छा मुकाबला चल रहा है अभी तक तो काफी अच्छी पोजीशन में है शोभाला क्लब सेवंत्री और उतना ही अच्छा फाइट है शिवा क्लब का। और एक और बेहतरीन विकेट यहां पर गिरता हुआ सेवंत्री का, बहुत ही शानदार बॉलिंग। और इसी के साथ इसको पहुंचता हुआ ये हमारे अक्षय कुमार है हमारे समाज के भाई हमारे समाज के अक्षय कुमार है 36 सर ग्राउंड नंबर एक का स्कोर पहुंचा 36। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। भरत जी हमारे ये जो 36 ओवर कौन सा चल रहे फुरेश दूसरा ओवर प्रगति पर है फुरेश साहब। भरत जी बिल्कुल सर बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे जो ये खिलाड़ी जो खेल रहे हैं हाँ हाँ आने वाले आईपीएल में भी खेलने के चांस है कि नहीं? बिल्कुल सर, इसमें ऐसा होता है कि आप जैसे बामा शाहदान दाता दानवीर का जब सहयोग समाज का हमारे युवा के साथ में रहेगा तो मैं वादे के साथ में कह रहा हूँ आने वाले 12 महीनों के अंदर इस नागदा मेवाड़ नागदा राजपूत ब्राह्मण समाज के बैनर तले मैं रूपनारायण भगवान से और चार पूजा नाथ से यही कामना करता हूँ कि आगामी 12 महीने में कोई भी हमारे समाज का नेशनल इंटरनेशनल या आगे आईपीएल तक पहुंचे ये हमारे समाज का आप सभी का सहयोग साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी आपका। आप ऐसे ही हमें दुआ देते रहे कोई ना कोई हमारे बिल्कुल हमें भी सर खुशी होती है जब मेरे समाज का मैं भी राजपूत समाज से हूँ। वर्ल्ड लेवल पर आज इंडिया बहुत नाम कमा लिया है और वर्ल्ड लेवल पे हमारा इंडिया का नाम है आज और यहाँ से ही कोई भी खिलाड़ी खेलेगा तो वर्ल्ड लेवल पे अपने खिलाड़ियों का नाम होगा। देखिए मेरे युवा साथियों मैं तो यही नहीं कहना चाहूंगा कि आपको आप मेहनत करो आपके पीछे बैकग्राउंड में पूरा समाज खड़ा है आपको चाहे तन मन धन किसी भी आवश्यकता पड़े तो आपको ये कमेटी दिल की गहराई से आपके पीछे है। आपसे मेहनत करते जाओ और यही हमारे समाज का झंडा राजस्थान समाज का हो ब्राह्मण समाज का हो और अपने परिवार का झंडा राजस्थान अपने नेशनल इंटरनेशनल तक लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं। एक बार फिर से होता के खेलना चाहते थे वहां पर फील्डर के रूप में बाउंड्री लाइन पर मौजूद है एक रन पूरा किया दूसरे की चाहत लेकिन पार्टनर ने मना किया इसी के साथ एक रन से संतुष्ट धीरे धीरे इसको में थोड़ी हलचल होती हुई। देखिए ग्राउंड नंबर दो का मैच चालू हो गया लेकिन दोनों एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर नहीं पहुंचे प्लीज सर। ग्राउंड नंबर दो के दोनों एक्स्ट्रा प्लेयर ट्वेल्व मैन आपका सहयोग हमारा सौभाग्य रहेगा। मैं बार बार यहां से माइक्रोफोन से आपको सूचित कर रहा हूं फिर यहां पे स्कोरर में गौरव होगी सर प्लीज। और ये शानदार कैच काफी अच्छी कैच वहां पर बाउंड्री लाइन पर और एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर सेवंत्री का। देखते शाम तक लाइन क्लियर हो जाएगी कौन किस पे होगा भारी धीरे धीरे समाज के सभी खिलाड़ी अपनी मेहनत अपनी लगन अपना परफॉर्मेंस पूरा यहाँ पर गाड़ रहे और गाड़ना भी चाहिए क्योंकि आप अगर यहाँ इस पायदान से जीतोगे तो कुछ ही समय के बाद आप क्वार्टर फाइनल खेलोगे वहां पर जब प्रदर्शन करोगे तो सेमीफाइनल और भगवान करे और आपका हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और आप फाइनल भी खेलो यही हमें हमारी शुभकामना सभी टीमों को साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीसीएल मुंबई का जो पहले हुआ था फर्स्ट बीसीएल में कुआतल टीम ने विजेता टीम रही जो फर्स्ट विनर टीम रही थी कुआतल ही थी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था वहां पे। बिल्कुल सर मैदान में जो अच्छा खेलेगा वही परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगा और सभी टीमें अपनी दमखम तो दिखा रही है। हेलो जिस समाज बंधु ने अगर भोजन करना है तो उनसे निवेदन है भोजनशाला चालू है आप भोजन भी कीजिए और मैच का भी लाभ उठाइए और साथ में ड्रिंक काउंटर भी चालू है नींबू पानी रसना सब चालू है यहाँ पर उसका भी लुत्फ उठाइए।
एक बार फिर उठा के खेला है बाउंड्री लाइन की ओर जाते ही, वहां पर फील्डर मौजूद जब तक फील्ड होती। और ये एम्पायर का इशारा 6 रन के लिए, शायद अपने फील्डर का पाव टच हुआ बाउंड्री लाइन पर, इसी के साथ 4 रन और मुनाफा मुजाफा इजाफा। बिल्कुल धन्यवाद। हेलो चेक, हेलो भरत जी, आपके साउंड की आवाज कम है। बिल्कुल सर, व्हाइट का इशारा एम्पायर ने एक बार फिर अपनी बाह खोली, व्हाइट का इशारा। हेलो, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए ना ऑपरेटर। एक बार मीडिया स्टेट की ओर जाती हुई, फील्डर कोई चार्ज नहीं, 4 रन के लिए एक और चौका जोड़ता हुआ 7-3 के अकाउंट में, एक खेमे में। हेलो, इसी 4 रन के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन, 58 और रन भी बने जा रहे हैं, सॉरी 48। तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा 48। पूरा लाल जी, बूढ़ जी, मंदर, दिनेश जी, आप सबका स्वागत है बीसीएल 6 में लेट पधारने के लिए। कांदीवली में रहते हुए आप इतना लेट पधारे हैं, अब इस बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। बूढ़ जी भाई साहब, आप भी यहाँ पे पधारे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ये 2 किलोमीटर बाजू में रहते हैं और घड़ी में 3 बजा है, हाँ खाना चालू हो गया, बताए सबको। ये डे नाइट मैच है तो लोग सोच समझ के आ रहे हैं, और कोई बात नहीं, आज पूरा दिन मजा लेना है और पूरा ये मजा लेना है और युवाओं का आनंद लेना है। सोहन जी का बहुत बहुत तहे दिल से युवा मंडल आपका स्वागत करते हैं। दिनेश जी का भी, मजेरे वाले दिनेश जी, उनका भी युवा मंडल आपका स्वागत करते हैं। समाज के हर ग्रुप में क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन रखा गया है उसका हमने सब ग्रुप में पोस्ट किया है। हमें आशा है कि अभी बहुत सारे हमारे समाज के भाई आने बाकी हैं, हम सब का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये समाज का प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आप सभी भाइयों का साथ तभी होगा समाज का विकास। बहुत अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, 54 रन हुए, छोगाला 7-3 के 54 रन हुए, बहुत अच्छा। उठाने की कोशिश की मगर, हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल चौथा ओवर प्रगति पर है। हेलो हेलो, यहां से जो भी जीतेगा वो आज एक अंक तालिका में एक पायदान ऊपर, 54-54। हेलो हेलो चिक, हेलो चिक, चौथा ओवर प्रगति पर है, लाइव है चौथा ओवर। जय हो जय हो। ये उठा के खेलना चाहता था लेकिन आउट ऑफ लाइन बोर्ड थी, अवॉइड का इशारा एम्पायर द्वारा, एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, थोड़ी सी हलचल मोमेंट होता हुआ यहां पर, एक और रन बढ़ता हुआ 7-3 के खाते में, 7-3 के अकाउंट में। ये बैक टू बैक खराब प्रदर्शन, एक और भटकी हुई गेंद, एक्स्ट्रा गेंद में बढ़ोतरी हुई, इसी के साथ 2 रन और बढ़ा, तो कंटिन्यू 2 खराब गेंद। एक बार फिर उठा के खेला मिड ऑन की ओर, कोई गलती नहीं, और ये एक और विकेट का पतन होता हुआ यहां पर, छोगाला क्लब 7-3 का। हेलो चिक, हेलो चिक, श्री राम जय राम। कौन है नया बैट्समैन? बिल्कुल अभी नए बैट्समैन के रूप में कैप्टन ने हितेश पर जिम्मेदारी सौंपी है, हितेश क्या कर पाते हैं। हितेश, जीत के लिए कितने चाहिए? फर्स्ट इन, बिल्कुल। ये फुल कैच गेंद उठा के खेला है और फील्डर बन गया दर्शक, 6 रन का इशारा एम्पायर का, चमचमाता छक्का,
क्या बात है, क्रीज पर है कैप्टन हितेश। हेलो, और इसी छक्के के साथ में टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 62। बॉल नहीं बेटा, 62 रन। हेलो छिक, 1 2 3। हेलो छिक, हेलो छिक, श्री राम जय राम। एक बार फिर तैयार, बड़ा शॉट के फिराक में थे, जब तक फील होती एक रन पूरा किया, अच्छे रन बीच में विकेट वहां पर नहीं लिया। चार ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा है 62 रन, 62 रन, 62। अभी स्ट्राइक वहां पर है, हितेश पे के पास स्ट्राइक है, नॉन स्ट्राइक पर है पीतू। देखिए हितेश की मैं बात करूं तो बड़े बड़े छक्के छक्के मारने में मेजार है, बड़ी हाइट है। एक बार फिर उठा के खेला है, ये थर्ड मैन की ओर जाती हुई कोशिश जा रही, लेकिन कोई मौका नहीं चार रन के लिए एम्पायर का इशारा। एक और चार रन जा यहां पर बाउंड्री खाते में जोड़ती हुई स्कोर बोर्ड में धीरे धीरे, और स्कोर बोर्ड में हलचल हुई इसी चौके के साथ में और रनों में बढ़ोतरी। सिक्स दिया, बिल्कुल ले गया एम्पायर का 6, 6 रन के लिए। देखिए मैं बात करूं दोनों एम्पायर की तो दोनों ही बहुत ही जानकारी वाले एम्पायर है, उन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारे घरेलू मैच, नेशनल इंटरनेशनल कई सारे मैच खिला चुके हैं। देखिए पहले सोचते समझते परखते और फिर बाद में डिसीजन देते। एक बार फिर बैक साइड में खेला है, फील्डर पीछे दौड़ते हुए को सारा रे, 4 रन के लिए एक और लगा बेहतरीन चौका, और बैक टू बैक बड़े शॉट लगे यहां पर। काफी प्रेशर में है यहां पर शिवाय क्लब, और काफी अच्छी मजबूती में है यहां पर 7-3 टीम, छोकाला क्लब 7-3। मेरा पेन उल्टा दे दिया था उसको, घुमाया क्या वो भी पेन, रात को 2 बजे तक। ओहो, एक बार फिर उठा के खेला है, थर्ड मैन की ओर जाते हुए वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन पूरा किया, दूसरे की चाहत, अच्छी रनिंग बीट में विकेट बहुत बोले वहां पर, बड़ी अपील और ये आउट दिया, रन आउट कर रूप में एक विकेट और पतन हुआ यहां पर, एक ही रन काउंट होगा, दूसरे रन पे आउट हुए हितेश, कैप्टन हितेश ने गवाया है रन आउट कर रूप में। काफी निराश, काफी मूड ऑफ में लगते हैं इस विकेट पर हितेश। हितेश सोचते मैं रहता तो कुछ और कर पाता, लेकिन लक और भाग्य ने उनका सपोर्ट नहीं दिया। नए बैट्समैन के रूप में चेतन अपना भार संभालेंगे, चेतन। चेतन छोटे कद के हैं लेकिन बड़ा धमाका करते हैं, देखते हैं क्या कर पाते अपने टीम के लिए चेतन। चेतन रन पहुंचता हुआ सर, रन बताओ, रन कितना, 73 है सर। हाँ आपके गांव का नाम आया 73। हाँ उठा के खेला है फील्डर नीचे, नो का इशारा और 2 रन पूरे किए, नो का इशारा एम्पायर द्वारा। चल चल रे मुलाहरम, ओह क्या टाइमिंग था, क्या प्लेसमेंट दिया इस बंदे ने, ये लगाई शॉट दिला दिया सर। बिल्कुल दो बंद गेंद शेष है, और क्या गलत कदम उठाया है, तू चल में आया, आराम से कैच दिया बॉलर को, और एक और करारा झटका यहां पर मिलता हुआ।
अभी गया पिटू चल चले मित्रा बिल्कुल एक बॉल का गेम शेष है, देखते हैं इस गेंद में अनुमान लगाइए क्या आएगा। ये सिंगल डबल फोर सिक्स बिल्कुल हेलो चिक आखिरी गेंद और ये ऑफसाइड बॉल काफी खराब गेंद वाइट का इशारा और एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन नहीं नहीं कैसे आउट होगा वहां पर हो गया ना बिल्कुल सही है। ओ ये पटकी हुई गेंद थी। इसी के साथ हाँ एक रन काउंट होगा, हाँ एक रन काउंट होगा सिर्फ एक मिनट से बता रहा हूं अपडेट हो रहा है। सेवेंटी एट हुआ है, विन टू 79 का टारगेट है। बहुत बहुत धन्यवाद टीम सिवाय क्लब को 79 बनाना है बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों टीमों को ऐसे जीते रहे। फिर मिलते हैं पांच मिनट के अंतराल के बाद में। जय श्री राम, जय जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र। हाँ बिल्कुल भोजनशाला चालू हो चुका है। जिस समाज बंधु को मेरे युवा साथियों को जो नहीं खेल रहे उनको भोजन ग्रहण करना था, आप भोजनशाला में पधार कर भोजन ग्रहण कर सकते हो। बहुत 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 धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं हूँ देवांश। मुझे बहुत आता है आपको। हेलो बिल्कुल जी समाज बंधु को भोजन ग्रहण करना है वो भोजनशाला में पधार कर भोजन ग्रहण कर ले। और अति शीघ्र टीम शिवाय क्लब अपनी फील्डिंग की सजावट करावे। टीम शिवाय बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय राजस्थान, जय चार भुजा नाथ की, जय सांवरिया सेठ की। हेलो बिल्कुल इसके बाद में हमारा लिंग ग्राउंड नंबर एक का जो एक ही मैच पेंडिंग रहेगा श्रीजी क्लब मंदा वर्सेज आरके क्लब कुआथल, ये तैयार रहे। इसके बाद में हम क्वार्टर फाइनल की ओर चलेंगे। हेलो चिक, हेलो चिक, सभी समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। ये भगवाह रंग हेलो 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 चिक हेलो। एक बार पुनः जिस समाज बंधु का अगर भोजन ग्रहण करना है तो भोजनशाला चालू है। और समाज बंधु में से जिस भी खिलाड़ी को अगर कमेंट्री बोलना है तो आपका भी वेलकम है, अभिनंदन है। आइए और थोड़े टाइम के लिए कमेंट्री का मजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खाने खा गाऊ
हेलो हाँ अब वो आने देने आता है वो अंदर से बिल्कुल हेलो 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 महादेव क्लब और कोटेश्वर टाइटन हेलो देखिए पिच नंबर दो का जो मैं अभी मैच होगा महादेव क्लब वर्सेज कोटेश्वर टाइटन आखिरी लीग मैच है टॉस हुआ है कैसे उनका हाँ टॉस के लिए दोनों कैप्टन आ जाइए महादेव क्लब वर्सेज कोटेश्वर टाइटन्स कैप्टन महादेव क्लब के यहाँ पर प्रेजेंट है और कोटेश्वर टाइटन पधारिए प्लीज बिल्कुल बिल्कुल महादेव क्लब और कोटेश्वर टाइटन्स का यह मुकाबला होगा जिसमें टॉस के लिए दोनों कैप्टन पधारे और आगामी मैच का टॉस करावे ये हमारे पिच नंबर दो का लीग मैच का आखिरी मैच है इसके बाद में हम क्वार्टर फाइनल में जाएंगे और भोजन वोजन करने वाला भोजन कर लो उसके बाद में क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल का हम आनंद लेंगे अपने इष्ट देव को अपने कुलदेव को याद करते हुए जयकारा लगाते हुए टीम का सपोर्ट करते हैं दर्शक का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीमों को हेलो चिक हेलो 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 चिक हेलो चिक हाँ यहाँ पे भी कड़ा मुकाबला है कमलेश भाई देखिए आप अपने टीम का सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है यार स्कोर बहुत अच्छा खड़ा किया अपने की टीम ने लेकिन आगे उनके टीम में भी बड़े बड़े हिटर है बड़े बड़े ऑलराउंडर है देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है मैं बात करूं शिवाय क्लब की तो सर इसमें भी ऑलराउंडर भरे हाँ बिल्कुल एक बार फिर जाते हैं हम लाइव मैच की और उठा के खेला जाता था पूरी तरह से सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं यहाँ पर दोनों टीमों का अच्छा खेल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है यहाँ से जो भी टीम जीतेगी वो आज का क्वार्टर फाइनल में अपना जगह पक्की करेगी और हारेगी वो टीम सीधा मारवाड़ का टिकट पक्का करेगी बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल आगामी ओ ठीक है कोई भूल नहीं गई कोई चूक नहीं गई ये पहली सफलता मिलती है यहाँ पर सेवंद्री को जय हो बिल्कुल हमारे बीच में सह उपाध्यक्ष साहब भी पधारे क्या नाम है सर सूरज जी भाई साहब नागरा और उन्हीं के साथ में कमलेश जी आपको बड़ा आप सभी का बहुत बहुत आभार सर पधारे हाँ समाज के संगठन मंत्री और सह उपाध्यक्ष आप पधारिए आगामी मैच का टॉस हो रहा है साथ में अध्यक्ष साहब आप भी पधारिए बिल्कुल आज कर कमलों द्वारा आपके हाथों से जितने भी समाज के महानुभाव पधारे आप सभी का हार्दिक स्वागत है समाज के समय मंत्री वाह बिल्कुल भाई साहब का भी हार्दिक स्वागत है भूरी लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पधारे समाज के वरिष्ठ है हाँ आइए ये देखिए भरत जी भाई साहब ऐसा टूर्नामेंट जब मुंबई की धन्य धरा पर करना पड़ता है ना अध्यक्ष साहब तो कम से कम चार महीने पहले प्लानिंग करनी पड़ती है किसी का ऐसे टूर्नामेंट नो का इशारा कि ये टूर्नामेंट सफल बनाने के लिए सभी को साथ में लेकर चलना पड़ता है तो इसके लिए धन तन मन सबकी आवश्यकता होती है तो आपके समाज के दिलदार उन भामाशाह भी आ गया है काम करने वाले भी आ गए उन सभी का एक बार मैं पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ यहां से ये टीम अच्छी मजबूत स्थिति में है बिल्कुल राजू भाई ये टॉस में क्या हुआ
ये टॉच हो रहा था अभी हमारे समाज के गणमान्य के हाथ से, महादेव क्लब वर्सेस कोटेश्वर टाइटंस। बिल्कुल, ये टॉच कोटेश्वर टाइटंस ने जीता और पहले बैटिंग का निर्णय लिया है और महादेव क्लब को फील्डिंग के लिए, क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, पेन लेके गए क्या? हाँ, रूप वॉरियर्स जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट कराए। रूप वॉरियर्स इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पहुंचा है ओनली फोर, फोर रन्स एक विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, हमारे फोटोग्राफर जावेद भाई को हमारे अध्यक्ष भरत जी भाई साहब की ओर से ये भगवा रंग का दुपट्टा पहना का श्रीराम, और साथ में हमारे अली भाई का भी स्वागत, श्री राम जी का ये दुपट्टा पहनाकर इस राजपुरोहित मेवाड़ नागदार ब्राह्मण समाज के इस मंच से, अध्यक्ष साहब के हाथों से, सदन जी भाई साहब के हाथों से, पूरे कमेटी के हाथों से उनका बहुमान किया जा रहा है हमारे फोटोग्राफर और सह फोटोग्राफर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो सभी की तस्वीर कैद कर एक हमारे याद दिला पाते हैं कि सरवन अक्षर में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, आपके पूरी टीम का, जावेद भाई और अली भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो शिक, हेलो दूसरा ओवर चल रहा है ना, दूसरा ओवर प्रगति पर है। बिल्कुल सर, एक ओवर में तो मात्र चार रन हुए हैं, दूसरा ओवर प्रगति पर है। देखते हैं किस्मा है कितना है दम। लक्ष्य बहुत बड़ा है, यहां से अगर शिवाय क्लब को जीतना है तो एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, अच्छी जोड़ी की जरूरत है। हेलो, हेलो चिक, हेलो चिक, हेलो बहुत बढ़िया, बॉल नहीं है सर जी, नहीं नहीं, और एक बार फिर उठा के खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा के सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर के हाथों में, ये नहीं है सर, खेला हुआ नहीं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार आयोजन। बिल्कुल, मिलन काफी घातक बल्लेबाज है साहब, अभी तक तो सॉरी वही बॉलर है मिलन के गेंद। ओह काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर मिलन की, और ये मैडम ओवर, कोई रन नहीं, खाता खोलने तक नहीं दिया इसने श्री जी क्लब के। दो ओवर की समाप्ति पर ओनली फोर, फोर रन, चार रन। बहुत बहुत धन्यवाद।
ग्राउंड नंबर दो का भी बड़ा मुकाबला चल रहा है। हेलो हेलो। और सिवाय क्लब को जीतने के लिए अभी खूब रन चाहिए, और जीतने के लिए इनको छक्के चौके मारने पड़ेंगे। सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा। अगर इनको अंदर आना क्वार्टर फाइनल के लिए, तो इनको कम से कम 40 से 45 रन बनाने होंगे, जो अभी तक मात्र 9 रन बनाए हैं सिवाय क्लब ने। स्कोर हो गया कितना, हो गया 3 ओवर 9 रन और 2 विकेट हो चुके हैं। 12 बॉल में जीत रही है। मैच जीतने के लिए 70 रन चाहिए। मैच नाम मात्र औपचारिक रह गया है, लेकिन अगर इनको अपना आगे अगर क्वालिफाई होना है तो कम से कम 40 से 45 रन बनाने पड़ेंगे। यहां से बड़े बड़े छक्के मारने पड़ेंगे नीलेश को। कम से कम 30 रन और बनाने 2 ओवर में नीलेश और राहुल। 30 रन और बनाने, 9 रन हुए अभी तक। 30 40 हो जाएंगे तो तुम अगला मैच खेल सकते हो फिर, नहीं तो छोगाला क्लब 73 की आगे हो जाएगी, क्वालिफाई हो जाएगी फिर।
अगले गेंदबाज हितेश, शानदार गेंदबाजी करते हैं हितेश। पहली गेंद हितेश की और नीलेश ने फुल टॉस गेंद मार दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, एक रन मिलेगा और ये दूसरा रन, शानदार रनिंग करते हुए और दो रन उड़े किए। सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है, मैच में आने के लिए लंबे लंबे छक्के मारने पड़ेंगे। 11 बॉल का गेम बचा है, गेंद में इनको कम से कम 30 रन बनाने। अब अध्यक्ष साहब बोल की व्यवस्था करो। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है 7-3 टीम की और उतनी अच्छी रनिंग हो रही है, दो दो रन निकाल रहे, लेकिन इन सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है, जीतने के लिए इनको छक्के मारने पड़ेंगे। अब बेहतरीन बैटिंग की 7-3 टीम ने और उसके बाद अब गेंदबाजी भी शानदार हो रही है। और ये अंपायर का इशारा वाइड बॉल, मालूम नहीं उधर ही रहेगा, देखो ना आप। सिंगल सिंगल से कुछ होने वाला नहीं, लंबे छक्के मारने पड़ेंगे। रिलीज का शानदार शॉट और सीधी फील्डर के हाथ में और ये मिस फील्ड और 6 रन सीमा रेखा के पास, सीधा शानदार शॉट 6 रनों के लिए, मिस फील्ड और 6 रन। ऐसे दो चार छक्के और मार दे अगर टीम तो आपको अंदर आने का मौका मिल जाएगा। तो मिले जैसे ही मारते रहिए, इस ओवर में दो छक्के और मार रहे हैं आपको, बस उठा उठा के शानदार शॉट नीलेश का, एक और स्क्वायर कट और सीधी फील्डर के हाथ में एक रन मिलेगा, एक रन मिलता हुआ। शानदार बैटिंग कर रहे हैं नीलेश, इनको ओपनिंग में आना चाहिए था लेकिन लेट हो गए। अब इसको धीरे धीरे बढ़ता हुआ, लेकिन मात्र अभी तक 19 रन हुए हैं, यहां से अगर 21-22 रन और भी बना देती है 19 रन 19, 3 ओवर 15 रन पिच 1 पर के 2 पर, पिच 2 पर 3 ओवर 15 रन। इस ओवर की 2 गेंद बाकी अभी तक, राहुल को बड़े हिट मारने पड़ेंगे। शानदार बॉल, एज लगता हुआ, पीछे फील्डर, मिस फील्ड हो चुकी है और ये गेंद सीमा रेखा की तरफ बढ़ती हुई लेकिन रोक दी गई चेतन के द्वारा। 2 रन मिलेंगे यहाँ पे तीसरे के लिए दौड़ते हुए, लेकिन ये रन आउट और ये नीलेश रन आउट होते हुए 2 रन प्लस आउट। अगले बल्लेबाज विष्णु, सिवाय क्लब को अभी भी आज है कि अगले ओवर में अगर 20 से 25 रन मार दिए तो अंदर आ सकती है सिवाय क्लब। और अगला बैट्समैन विष्णु पुरोहित, नीलेश नीलेश अगले बॉलर्स नेम चेतन, स्ट्राइक पर राहुल, स्ट्राइक पर राहुल है और इनको अगर सिवाय क्लब को अगर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो इस ओवर में 25 रन बनाने पड़ेंगे कम से कम, मतलब 4 छक्के मारने हैं यहाँ पे। बैक टू बैक विजेश ने 2 छक्के मार दिए, शानदार वेटिंग कर रहे हैं वहां पे विजेश भाई की, शानदार वेटिंग। आउट भी हो गए विजय भाई। अगला बल्लेबाज आकाश, नहीं 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 वो मारेगा राहुल। और चेतन की बॉलिंग, घुमावदार बॉलिंग अलग एक्शन के साथ, पहली गेंद शानदार 1 बाउंस के साथ, 2 बॉल 2 बॉल डॉट 1 बाउंस। यहाँ राहुल को छक्के मार रहे हैं लेकिन वो डॉट किए जा रहे हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी टीम को। पिच 1 पर और पिच 2 पर आकाश अच्छे, बहुत ही बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है आकाश
उन्हीं के सामने उन्हीं के गांव के बॉलर फेस करते हुए शानदार बॉल और आगे बढ़ के मारने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं। शानदार गेंदबाजी हो रही है तो दोनों ही टीम एक ही गांव की आंखों दड़ा की। और यहां पे एक और डॉट और ये बाइक भागते हुए, लेकिन शायद रन आउट हो जाएंगे राहुल। और ये एक और रन आउट, मुश्किल घड़ी में सिवाय ग्लव से ये उम्मीद नहीं थी हारेंगे, लेकिन 7-3 ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बैटिंग में भी लाजवाब बैटिंग और बॉलिंग में भी उससे बेहतरीन बॉलिंग की है 7-3 टीम ने। आउट हो गया राहुल, नया प्लेयर हितेश, दो छक्के मार दे इसने तो कुछ आस हो जाए टीम के लिए, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन चेतन का बॉलिंग एक्शन और बेहतरीन बॉल, चेतन की शानदार बॉलिंग, बॉलिंग एक्शन ही समझ में नहीं आ रहा है बल्लेबाज को कि, और सीधी हाथ में गेंद, एक और विकेट पड़ता हुआ वहां पर, तरुण अपना विकेट खोते हुए सीधी फील्डर के हाथ में गेंद और बेहतरीन कैच, गिरा ही हो गया। और ये क्या बात है, स्कूप मार गया पीछे की तरफ विष्णु ने, शानदार शॉट और 4 रन मिलेंगे यहाँ पे, शानदार शॉट। कितनी बॉल बाकी, एक लास्ट बॉल है इस इनिंग की, अंतिम बॉल है। 25 रन हुए हैं सिवाय क्लब के, एक छक्का मार दे तो कहीं से कुछ तो आस बने सिवाय की। लास्ट ओवर 6/10 चाहिए जीतने के लिए, जीतने के लिए एसीसी को 6 बॉल में 10 रन चाहिए जीतने के लिए। लास्ट 6 बॉल अगर आगे जाना है तो ये मैच जीतना पड़ेगा एसीसी आपको थोड़ा। तो आकाश को मारने हैं मात्र 10 रन एक ओवर में, आराम से मार सकते हैं, ऐसे समझ के खेले, स्कूल पे खेल रहे हैं ऐसे ही समझे, स्कूल पे है और बस घुमा दे पीछे लेग की तरफ छक्के। और यहाँ पे विष्णु का बेहतरीन शॉट, एक और कट गया, 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। और ये मैच 7-3 जीतती हुई, शानदार बैटिंग, शानदार बॉलिंग और सिवाय क्लब 29 रन पे। और ये कितने रन से जीत गए, 30 रन बनाए सिवाय क्लब ने। और कितने जीती, 48 रन से ये मैच 7-3 जीतती हुई, 7-3 के पूरे पूरे चांस बनते हुए आगे एक और मैच खेलने के। शानदार बैटिंग प्रदर्शन, शानदार बॉलिंग, बॉल भी गई बटने, ओ वंजी भाई बॉल फेंकी गई, बॉल फेंकी बटने, अगली फील्डिंग जमाए आरके क्लब, अपनी फील्डिंग